नहीं कर रही है। देखो कानून बनाने की घोषणा के अलावा और काम नहीं किया, हालांकि दो चार मांगे भर्तियों की। जाम खत्म हो गया, अधिसूचना जारी नहीं हुई, उसकी अधिसूचना जारी हो, भजालाल को पकड़ा जाए, कौन कौन कड़ी है उसका तार का खुलासा हो, एसआई और रीट की जांच की मांग कर सीबीआई की। लेकिन जो पोस्टर बैनर देख रहे हैं, मैं पिछले कई सालों से आपके साथ देख रहा हूँ, इनका क्यों नहीं कुछ हो रहा है? मंत्री सुभाष गर्ग साहब जो 23 फरवरी को रात को 12:30 बजे वो मुकर गए अपने वादे से। प्रयोगशाला सहायक भर्ती जो 18, 15, 34 है, कोरोना में जो इनके 3 लोग शहीद हो गए, उन्होंने सेवाएं दी, वो आज अब तड़प रहे अपनी नियुक्ति के लिए। चाहे स्कूल व्याख्याता जो शिक्षा मंत्री जी ने वादा किया था कातर सभा में कि आप वोट दीजिए, मेरे फोन की घंटी बजेगी, फोन की घंटी का इंतजार ये कर रहे हैं। विशेष शिक्षक हैं, पीटीआई वाले हैं, पशु चिकित्सक वाले हैं, रीट शिक्षक भर्ती 2018 वाले हैं, नई भर्तियों की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं, 12 राज्यों का कोटा समाप्त वो हम इंतजार कर रहे हैं। नई भर्तियां हुई उसमें अभी तक गड़बड़ी को लेकर सरकार जो है सामने नहीं आई है कि कहां से पेपर लीक हुआ, चाहे सब इंस्पेक्टर की भर्ती परीक्षा हो या फिर रीट की हो। यही हम मांग कर रहे हैं कि भजालाल को पकड़ा जाए, भजालाल जो पकड़ा जाएगा तो कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण देने वाले को खुलासा होगा। तो हम मांग कर रहे हैं रीट और एसआई में खुलासा किया जाए, कहां का पेपर पहुंचा है, साथ में जो लंबित भर्तियां, जो लिखित में समझौता हुआ था लंबित भर्तियां पूरी हो, नई भर्तियां निकाली जाए, सीबीआई से जांच हो, मुकदमे जो नेकीराम जैसे लोगों मुकदमे दर्ज कर दिए वो मुकदमे वापस हो, तमाम 21 सूत्रीय मांगों को लेकर लगातार हमारा संघर्ष जारी है। कुछ मांगे हालांकि सरकार ने पूरा किया है, लेकिन जो मेन मांगे आज भी अधूरी है, उसके लिए हम 15 दिन से डटे हुए। हमारे कुछ साथियों को डेंगू भी हो गया, लेकिन फिर भी इन वाले ने हमने खुली चेतावनी दी, सरकार ने मांगे नहीं मानी, तो उत्तर प्रदेश फिर कूच करेंगे, प्रियंका गांधी जी की रैली में नवंबर में कूच करेंगे, खुला अल्टीमेटम सरकार को हमने दिया है। देखिए डेंगू राजस्थान में बुरी तरह से फैला हुआ है, अस्पतालों में पैर रखने की जगह नहीं है, और खुले में ये छात्र नौजवान बेरोजगार इस तरह से यहाँ पर धरना प्रदर्शन करते हैं। कई छात्रों को डेंगू है, इनका कहना है, अब इनका कहना है कि वो उत्तर प्रदेश जाएंगे प्रियंका गांधी के पास। प्रियंका गांधी एक इलाज बची है, जिस तरह से ये लोग गए वहाँ पर और कंप्यूटर जो टीचर भर्ती परीक्षा था उसे शुरू करवा रहे हैं, उसके बाद इन्हें उम्मीद बंधी है, अगर यहाँ पर कोई नई सुनवाई हो रही है तो क्यों नहीं प्रियंका गांधी के पास जाएं। इसीलिए ये प्रियंका गांधी के पास जाने का प्लान बना रहे हैं। उपेन, एक सवाल और आपसे, आप वार्ता करते हैं सरकार से, तो सवाल उठता है कि आप वार्ता क्या करते हैं जो सरकार मानती नहीं है, कई लोग आप पर भी सवाल उठाने लगते हैं। देखो वार्ता जो हमारे आईसीयू में, तो मेरे यही बेरोजगार वार्ता करते हैं, मैं नहीं करता, मेरे बेरोजगार साथ जाते हैं, इनके सामने समझौता हुआ था, क्योंकि सवाल वही उठा रहे जो राजनेता केवल 2 दिन के लिए राजनीति चमकाने आते हैं, 15 दिन से एक राजनेता नहीं आया युवाओं के नाम पे राजनीति करने वाला, घर बैठ के आवाज उठा के। आज वो हितैषी हो तो ट्वीट करते, फेसबुक डालते, समर्थन देते, एक भी आया नहीं, पूछ लीजिए युवाओं, कोई आया क्या आपके बीच में? युवाओं के नाम पे राजनेता राजनीति कर रहे हैं, लेकिन उनकी दुकानें अब हम बंद करेंगे क्योंकि हम लड़ रहे हैं। डॉक्टर ने कहा आपको घर पे आराम करना, लेकिन मैं यहाँ 15 दिन से इनके बीच में हूँ, युवाओं के नाम पे राजनीति कर रहे हैं राजनेता, आज युवा नहीं दिख रहे, आज युवाओं के तैसे राजनेता का हम पूछना चाहते क्यों नहीं आ रहे इनके बीच में? यदि मैं इनके नाम पे राजनीति कर रहा हूँ तो मैं मेरे अध्यक्ष पद त्याग के उनको देने के लिए तैयार हूँ, मेरे युवाओं की आवाज उठाए और न्याय दीजिए, मैं हट जाऊंगा, लेकिन मेरे युवाओं को न्याय मिलना चाहिए, लेकिन जब तक युवाओं को न्याय नहीं मिल जाए मैं पीछे नहीं हटूंगा, आर पार की लड़ाई लड़ूंगा।